अब सबसे बड़ा कन्फेशन, इस कैफेटेरिया में स्टूडियो की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने जानबूझ के ये स्टूडियो बनवाया। मैं तुझे कॉल किया बिकॉज़ मैं तुझे बहुत मिस करती थी सर। सोचा कि जैसे कॉलेज में हम रिलेशनशिप में ना होते हुए भी रोज एक दूसरे के सामने हुआ करते थे, ठीक वैसे ही यहां भी अच्छे दोस्त बनकर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के सामने रहेंगे। इतनी बड़ी प्लानिंग में तुझे बिना बताए इन्वॉल्व करने के लिए I'm sorry. मैं जानती थी कि मेरी वजह से तूने भी अपनी लाइफ में सिंगल रहने का डिसीजन लिया है। And that worked for me. That made me very happy. सोचा जैसे मैं सिंगल रहना चाहती हूँ, अगर तू भी सिंगल रहेगा तो हम दोनों के बीच कोई रिलेशन ना होते हुए भी तू हमेशा मेरा रहेगा। इतना ज्यादा मीन, सेल्फिश और ग्रीडी होने के लिए I'm sorry. जब तूने मुझे चॉकलेट्स गिफ्ट करते हुए कहा था कि थैंक यू फॉर रिटर्निंग बैक इन माय लाइफ, तब मैं भी तुझे जोर से हक करके वही चीज रिपीट करना चाहती थी सर। अपने ड्रीम से डर गई थी, इसलिए तुझे इतनी हर्टफुल बातें बोलकर और हर्ट किया। उसके लिए I'm sorry. उस ड्रीम के बाद से तुझसे इतना रूड बिहेव किया, बार बार तुझे हर्ट करती रही, उसके लिए I'm sorry. मुझे जलाने के लिए तूने प्राची के साथ सीन स्टार्ट किया and it worked. मुझे जलन हुई, मुझे बहुत जलन हुई, लेकिन फिर भी तुझे सबके सामने ना बोलकर मैंने तुझे और भी ज्यादा हर्ट किया। उसके लिए आई एम सॉरी। आज की ये वैलेंटाइन नाइट मेरे साथ स्पेंड करना चाहता था ना? श्योर आई एम। Will you be my Valentine? Will you be my Valentine? Will you be my Valentine?
वाह वेट, तूने तो मुझे किंग बोल्ड कर दिया है। क्या कहूं मैं, आई डोंट नो व्हाट टू से। तूने इस एक मोमेंट में मेरी पूरी लाइफ बना दी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी लाइफ की हर विश पूरी हो गई। मेरे सामने, मेरे साथ है, इससे बढ़कर मुझे लाइफ से और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सब मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। I'm shocked, I'm surprised, it's मैं इतना खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता कि अपनी खुशी को कैसे एक्सप्रेस करूं मैं। क्या कहूं एट्स, मैं क्या बोलूं। कुछ मत बोल सैम, इस मोमेंट को जी लेते हैं। ना कुछ बोले, ना कुछ सुने। लेट्स लिव इन द मोमेंट। लास्ट रोज, वो बाद में। दैट मींस अभी एक और ऐसा क्यूट सा सरप्राइज आने वाला है। जो होने वाला है या जो आने वाला है उसके बारे में मत सोच। मैंने कहा ना, लेट्स लिव इन द मोमेंट।
रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जा बाजी, लाइट्स ऑफ ही रहने दीजिए। इस वक्त मैं रोशनी का सामना नहीं कर पाऊंगी। ये तो मैं नहीं मानती कि तू नहीं कर पाएगी। बेटा, अगर अंधेरे का सामना करने की हिम्मत रखती है तू, तो फिर रोशनी का तो सामना बखूबी कर पाएगी। इस बात का पूरा यकीन है मुझे। ले बच्चा, पानी पी ले। निरंजन ने कभी मुझे प्यार नहीं किया माजी, बस मैं ही इतने साल भ्रम में जीती रही। निरंजन और माया का वीडियो देखकर मुझे इतना बड़ा सदमा नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि निरंजन ने कभी मेरी कदर नहीं की और शादी के 8 सालों में मैंने हर एक दिन ये चीज महसूस की थी। गलती मेरी ही है माँ जी, मैंने सच को नजरअंदाज किया, झुटलाया सच को मैंने। जो हुआ है यही हो रहा था बाजी, यही होना था बाजी, यही होना बेटा। बस बाजी, कुछ मत कहिए। मैं जानती हूँ कि आपको बच्चों ने भेजा होगा मुझे चुप कराने के लिए, लेकिन मैं चुप नहीं होना चाहती बाजी। मैं रोना चाहती हूँ, जी भर कर रोना चाहती हूँ। मेरे दिल में एक चुभंसी होती है, मैं कुछ भी करूं, कितना भी जतन करूं, ये चुभन कम नहीं होती बाजी, ये चुभन कम नहीं होती। श्री ने कहा कि रोने से मेरे दिल का गुब्बारा
निकल जाएगा और शायद चुभन भी कम हो जाए। रीता बेटा प्लीज बाजी मुझे रो लेने दीजिए, मुझे रो लेने दीजिए बाजी। ठीक है, मैं तुझे रोने से नहीं रोकूंगी, बल्कि अगर मुझे रोना आ जाए तो मैं भी तेरे साथ खूब रो लूंगी। और वैसे भी अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर कौन माँ अपने आंसू रोक सकती। मैं जानबूझ के तेरे सामने अपने आंसू रोकती रही, लेकिन अब नहीं। अगर रोने से तकलीफ कम हो जाती है तो हम दोनों जी भर के रोएंगे। बचा मेरी बच्ची। जितना चाहे उतना जी भर के रो ले, लेकिन उसके बाद मुझे यहां से उठना होगा। जी हल्का होने के बाद तू यहां अंधेरे में सोचते हुए नहीं बैठ सकती। तूने कहा था ना रीता, तू अपने बच्चों के ऊपर पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती। मैंने मान ली ना तेरी बात, तो फिर अगर बच्चों के साथ उनके पिता नहीं है तो फिर तुझे ही उनकी मां और बाप दोनों ही बनना पड़ेगा। इसलिए रो के जी हल्का कर ले और चल मेरे साथ, एक मां और एक पिता होने का फर्ज अदा करने। तेरे बच्चे एक उम्मीद के साथ आए थे वो कार्ड लेकर, उन्हें लगा कि तेरी उदासी दूर करेंगे, लेकिन उनके सामने रोकर तूने उनकी उम्मीदें तोड़ दी। अब तू ही उनकी मां और तू ही उनका बाप है, तो क्या मां बाप के होते हुए बच्चों की उम्मीदें कभी टूट सकती है? जाएंगी बेटा, थोड़ी देर में आ जाएंगी। मम्मा ने आने से मना कर दिया तो? जब दादी मम्मा को ये बताएंगी कि नीचे पलक और बीजल हलवा केक काट के वैलेंटाइन मनाने का इंतजार कर रही हैं, तो क्या मम्मा अपनी दोनों परियों के साथ हलवा केक खाने के लिए मना कर पाएगी? अरे बाबा, मम्मा मना नहीं कर पाएगी। तो क्या मम्मा आएगी? जरूर आएगी। बांट लेंगे रंग सारे, दुख हो या छाया हो, खुशियों के चेहरों पे बादल आया जो, किरणों की तरह प्यार बरसेगा घर में सदा, जिने सितारों ने दी है हमें ये दुआ, संयुक्त हो संयुक्त हो संयुक्त हो परिवार, संयुक्त हो संयुक्त हो संयुक्त हो परिवार।